इस वक्त पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सुर्खियों में बनी हुई है। UPATS ने सीमा हैदर से 18 घंटे पूछताछ की। इसके बावजूद पाकिस्तान से नोएडा आने की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझी हुई है। एजेंसियों को शक है कि सीमा का भारत आने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने की सलाह दी है। सीमा सचिन से अधिक पूछताछ नहीं करने देना चाहती। सचिन से सवाल पूछने पर कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो पूछना है मुझसे पूछ लो, लेकिन सीमा किसी भी सवाल पर नाराजगी या गुस्सा प्रकट नहीं करती। अब जांच एजेंसी सीमा का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा सकती है, इसे लेकर एजेंसियां मंथन कर रही है। एजेंसियां टेस्ट के इजाजत के लिए जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पूछताछ के दौरान सीमा के व्यवहार को असामान्य करार दिया है, इसी वजह से परीक्षण कराने की सलाह दी गई है। बेबाकी से जवाब दे रही सीमा हैदर। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई है जिसने सीमा को ट्रेंड किया है। सीमा का भारत आना, 50 दिन तक यहां रहना, फर्जी आधार कार्ड बनवा लेना, पकड़े जाना और बेल होना, पहले पुलिस फिर तमाम जांच एजेंसियों की पूछताछ में बेबाकी से जवाब और मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं अटकना नहीं, सिर्फ रटी रटाई बातें ही बताना, ये जानना काफी अहम है कि सीमा का IQ लेवल कितना स्ट्रांग है। 18 घंटे हुई पूछताछ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब जांच एजेंसियां पूछताछ करती है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। वहीं सीमा हैदर से 18 घंटे की पूछताछ के 2 दिन बाद पाकिस्तानी महिला सीमा ने मीडिया को इंटरव्यू दिया। इस दौरान सीमा ने उन लोगों को झूठा करार दिया जिन्होंने सीमा के झूठ को प्रमाणित किया था। सीमा की ये बातें कितनी सच्ची? नेपाल के होटल मैनेजर ने बताया कि सीमा ने किसी दूसरे नाम से एंट्री की, जबकि सीमा ने कहा कि सचिन एक दिन पहले वहां पहुंचे, मेरी वहां कोई एंट्री नहीं हुई। ट्रेवल एजेंट से बस बुकिंग के दौरान उसने अपने चारों बच्चों के गलत नाम लिखवाए और अपना नाम सीमा मीना लिखवाया ताकि वे अपने को हिंदू बता सके। अपनी उम्र को लेकर उसने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वहां 4 से 5 साल कम उम्र लिखवाई जा सकती है। गुलाम हैदर से मेरा कोई रिश्ता नहीं, दोनों के बीच तलाक हो गया था तो पैसा भी भेजता था। सीमा ने बताया कि सोनौली बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, जबकि ATS पूछताछ में उसने सिद्धार्थ नगर बॉर्डर बताया। मोबाइल का टूटा होना, सिम तोड़ना जैसी कई बातें जिनका एनालिसिस जरूरी है।